नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसका नाम है मारखोर। बेसिकली एक गोट कैटेगरी की एक ये फैमिली है। ये बेसिकली माउंटेन गोट्स इनको कहते हैं, और ये इनका जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली सेंट्रल एशिया में जो हिली जो हिमालय वाला जो रेंज है वहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों हम अपने वीडियो में ये भी बात करेंगे कि स्पेसिफिकली ये किस लोकेशन पे पाए जाते हैं और ये किस कंट्री का जो है वो नेशनल एनिमल है। तो दोस्तों सबसे पहले इनको हम इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या इनको जो है गॉड गिफ्टेड फीचर्स हैं जिनके कारण ये जो है इनको जो है बिल्कुल यूनिक जो है वो भगवान ने बनाया है। तो बेसिकली ये हर गोट की तरह ये कॉमन नहीं होते हैं, एरिया स्पेसिफिक है। बेसिकली ये ठंडे क्षेत्रों में जहाँ पे माउंटेन्स हैं वहाँ पे ही ये जो है ये स्पीसीज जो है गोट का ये पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम इनके फीचर्स की बात करते हैं। तो जो मेल है वो दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। ये थोड़ा सा शरीर के अगर एज कंपैरिजन टू अदर गोट्स देखें तो ये काफ़ी थोड़ा सा इनका जो बॉडी है वो थोड़ा सा हैवी रहता है कंपैरिजन टू दी जो नो कॉमन गोट्स हैं। और जो मेल है, मेल के यहाँ पे जो चिन है, चिन के ऊपर इनका जो है वो एक लॉन्ग बियर्ड रहता है, तो एक दाढ़ी रहता है बेसिकली। तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है। और इनके जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इनके जो सींग हैं बेसिकली वो काफ़ी ब्यूटीफुल, इनके जो हॉर्न हैं वो होते हैं, और ये जो है 5 फीट तक जो है वो लंबे हो सकते हैं, और ये स्पायरल टाइप के होते हैं। नॉर्मली जो आपने हिरन्स के देखे हैं वो थोड़ा सा मतलब लंबे तो होते हैं बट वो उस तरह का उनका सुंदर नहीं होते हैं। तो अगर मैं इनके सींग की बात करूं तो ये स्पायरल टाइप के हैं और ये काफ़ी लंबे होते हैं, और ये जब आप इस गोट को देखोगे तो इन्हीं सींग के कारण जो है ना ये काफ़ी सुंदर मतलब एक यूनिक से एक जो लुक है वो इनको अलग कर देती है बाकी जो गोट्स हैं उनसे। दोस्तों अगले इसके नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो इनका जो एज है वो 10 से 13 साल का है, और इनका वेट 110 kg तक हो सकता है, और ये 6 फीट तक जो है वो लंबे हो सकते हैं। तो ये जो है वो सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। और दूसरा मैं ये बताता हूँ कि ये जो है पाकिस्तान का जो है ये नेशनल एनिमल है, और ऐसा नहीं है पाकिस्तान में ही है ये जो है मतलब जो सेंट्रल एशिया में जो माउंटेन रीजन्स हैं वैसे इंडिया में भी है, अफगानिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में तो है ही, और वहाँ का ये नेशनल एनिमल भी है। बट इसका जो बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं इनका हंटिंग इनका काफ़ी करते हैं, और बेसिकली इनका जो मीट है वो काफ़ी स्पेशल माना जाता है, तो इनको जो है वो लोग मार देते हैं और इनको खा जाते हैं। और इनके जो सींग हैं बेसिकली वो भी जो है वो काफ़ी सुंदर होते हैं, तो उनको बेचने के लिए उनसे कुछ और मतलब ज्वेलरी टाइप का कुछ बनाने के लिए, कुछ शोपीस बनाने के लिए इनके सींग का यूज़ किया जाता है। तो इनको बेसिकली हंट किया लोग जो है वो कर देते हैं। दूसरे उनकी खाल से जो है वो काफ़ी और चीज़ें भी जो है कपड़े और ये वो चमड़े की चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। तो काफ़ी जो है लोग इनको हंट करते रहते हैं बेसिकली अपनी कमर्शियल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों उन्हीं कारण से जो है बेसिकली ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो बन गया है। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में तो ये पाकिस्तान में 5 से 6 हज़ार तक ही बचे हुए हैं, और इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, और इनकी जो संख्या बची हुई है इंडिया में वो 300 के आसपास है। तो दोस्तों इसमें जो है अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में जो है वो जम्मू कश्मीर में ये जो है वो पाए जाते हैं। बेसिकली इनको जो है प्रिजर्व किया हुआ है बेसिकली काजीनाग बारामूला में जो है, काजीनाग बेसिकली नेशनल पार्क है वहाँ पे कुछ कोर्स अवेलेबल हैं, और दूसरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हीरपुरा, ये जो है ये सोपिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे जो है इनका कुछ जो है जो कुछ गोट्स को प्रिजर्व किया हुआ है जो कि 3300 के आसपास है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं पता थी और मैं अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश की करी है। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को नहीं पता है वो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।